राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने बैठक की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 5 विधानसभा सीटों झुंझुनू, दौसा, देवलियोनियारा, कीवसर और चौरासी, इन सीटों के उपचुनाव पर मंथन बैठक बुलाई। बीजेपी दफ्तर में स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के साथ अलग अलग मंथन हुआ। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। बैठक में सीटों पर लोकसभा में हार के कारणों पर चर्चा हुई, जीत के फॉर्मूले पर भी मंथन किया गया। 84 विधानसभा सीट की बैठक में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, सुशील कटारा और अन्य नेता मौजूद रहे। खींवसर विधानसभा सीट को लेकर ज्योति मिर्धा सहित स्थानीय पदाधिकारी के साथ फीडबैक लिया गया। बैठक में यह तय किया गया कि विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ बनी रणनीति के अनुसार काम किया जाएगा। स्थानीय स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर ही टिकट वितरण किए जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर नाराज नेताओं को मनाने का काम हो, उपचुनाव से पहले राजस्थान सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो। बैठक में सीपी जोशी के अलावा विजय राठौर और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें, 5 सीटों पर पिछले साल 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी 5 सीट हार गई थी। बीजेपी के लिए उपचुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।